दिस इज जे बी सर। सो आज हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सी पी एम का, पार्ट के हम बाद में लेंगे, पहले सी पी एम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पार्ट हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने ए टू एच तक हमने प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया, प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज़ के अंदर, और कितनी एक्टिविटीज़ है जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, उसका नेटवर्क डायग्राम हम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। डाउन फर्स्टली ए किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे ए एक ही है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसके से मैं उसे एक स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूँ। अगर ए और बी होता तो मैं वी बनाता, सी भी होता तो मैं तीन निकालता। ओके नाउ बी सी और ए जैसे ये डिपेंड कर रहे हैं इस पे, बी सी डी ए पे डिपेंड कर रहे हैं, फाइव। ओके अभी ऐसा बताया गया है इज डिपेंड ऑन बी, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि हमारा नेटवर्क डायग्राम क्लोज हो जाए। उसके बाद एफ इज डिपेंडेंट ऑन डी। ओके तो यहाँ पे कोई मैं एक नोड ले लेता हूँ, जी इज डिपेंड ऑन सी एंड ई, ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है तो इसको मैं जी बोल देता हूँ। नाउ एच इज डिपेंड ऑन एफ एंड जी, ये हमारा क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट का पाथ हमारा बन गया। अभी हम इसमें डेज लिख देते हैं, ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड टाइम। हम पॉसिबल पाथ्स के डेज फाइंड आउट करेंगे कि कितने कितने हैं। तो तो कैसा पॉसिबल पाथ है, तो इन सब के ड्यूरेशन को हम प्लस करेंगे तो लास्टली हमारा जो ये वैल्यू आएगी कि 18 डेज, ये मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ रहेगा। ओके ये तो एक दूसरी मेथड है, मतलब ये एक मेथड है जिसके अंदर हम डेज को प्लस करते हैं कि ड्यूरेशन कितनी है। एक और मेथड है जिससे हम बता सकते हैं कि हमें डेज को प्लस नहीं करना रहेगा, और उसमें से डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि ये पाथ हमारा, ये एक्टिविटी क्रिटिकल है।